5 अप्रैल 2005 की तारीख थी, खिलाड़ी का नाम था महेंद्र सिंह धोनी। और जिक्र महेंद्र सिंह धोनी का आज इसलिए क्योंकि उनका जो पहला शतक उस वक्त पे विशाखापट्टनम हुआ करता था, वाइजैग नहीं हुआ करता था। और विशाखापट्टनम के उस पहले शतक के साक्षी हैं राजीव सर, क्योंकि राजीव सर वहां पर मौजूद थे जब महेंद्र सिंह धोनी ने वो 148 की पारी खेली थी पाकिस्तान के खिलाफ। सर मुझे याद है, मैं उस वक्त पे छठी क्लास में हुआ करता था और हम इंटरवल से स्कूल की बाउंड्री टाप कर बाहर गए थे दुकान पे देखने के लिए, नहीं स्कूल की बाउंड्री टाप कर देखने के लिए कि महेंद्र सिंह धोनी ने कितने रन बनाए हैं, क्योंकि सुनने में ये आया था, किसी ने बता दिया था कि वो नंबर 3 पर आए हैं। देखिए उससे पहले की कहानी है मेरे पास, बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि जमशेदपुर में एयरपोर्ट नहीं है तो बस से ट्रैवल किया इंडियन टीम ने पाकिस्तान से, वहाँ मैच हार गए, बड़े अंतर से मैच हार गए, रन चेस कर रही थी भारतीय टीम, कीनन स्टेडियम मुझे याद है अच्छी तरह से। फिर हम लोग ट्रैवल किए वापस रांची एयरपोर्ट पहुँचे। मोहम्मद कैफ इलाहाबाद से हैं, बड़ा पर्सनली जानते हैं, तो हम लोग बातचीत कर रहे थे आपस में कि कैसे मैच हार गए क्या हुआ था। एक बहुत किनारे एक बड़े बाल वाला इंसान बैठा हुआ था, काफ़ी हम लोग देख रहे थे 3-4 मैचेस से कि इसको भेजा जा रहा है, रन नहीं बन रहे हैं। उस जमशेदपुर में मुझे लग रहा है शायद 28 रन बनाए थे उन्होंने, रन चेस कर रहे थे, आउट हो गए। तो बात करते करते हम वो कैफ गए महेंद्र सिंह धोनी के पास, और वो कम्युनिकेटर एक मोबाइल आता था उस समय नोकिया का, तो वो नोकिया का मोबाइल लेके और उस पर कुछ वो अपना सैटेलाइट से, अच्छा वो टेक्नो से भी मुझे लग रहा है बहुत पहले से ही थे, क्योंकि जिस तरह से वो कम्युनिकेटर यूज़ कर रहे थे। तो कैफ ने मुलाकात कराई, तो बातचीत का सिलसिला जब शुरू हुआ तो उन्होंने पहली लाइन ही बोली कि अरे भाई साहब रन नहीं बन रहे, पता नहीं टीम अनाउंस होने वाली थी इसके विशाखापट्टनम मैच के बाद, तो वो कह रहे रन नहीं बन रहे, पता नहीं बहुत नीचे बैटिंग आ रही है, 2 ओवर 3 ओवर खेलने को मिल रहा है। तो मेरे मुँह से अचानक नहीं कहते हैं कि ब्रह्म भाग के निकलता है, मैंने कहा कि क्या पता दादा ऊपर भेज दे। तो फ्लाइट उड़ी वहाँ से, मुंबई से चेंज होनी थी फ्लाइट वाइजैग जाने के लिए, रांची से मुंबई, मुंबई से वाइजैग। मुंबई जब फ्लाइट पहुँची है तो दादा को हमने देखा बहुत पीछे किनारे अपना माला पकड़ के बैठे थे, फ्लाइट में बहुत डरते थे दादा, तो माला पकड़ के अकेले बैठे हुए थे। तो उतरे और जब हम नेक्स्ट डे पहुँचे हैं वाइजैग, उस समय विनोद टॉस इंडिया ने जीता है ना, पता नहीं मुझे नहीं याद है, एक विकेट जल्दी गिरता है, देखता हूँ महेंद्र सिंह धोनी बैट हिलाते हुए अंदर जा रहे हैं, नंबर 3 पे उनको बैटिंग करने भेजा गया। और शायद मेरी जो रिपोर्टिंग देख मैंने की है 14-15 साल में, सबसे बड़ा चेंजिंग मोमेंट अगर किसी खिलाड़ी के करियर में मैंने देखा तो वो पारी थी। वो उतरे और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने शाहिद अफरीदी, राणा, नवेदुल हसन, मोहम्मद शमी, मुझे याद है एक उनके ऑफ स्पिनर होते थे लंबर से अरशद करके, ऐसी पिटाई उन्होंने की। और वो नया स्टेडियम था, क्योंकि मुझे याद है 2 स्टेडियम है वाइजैग में, पहला शहर के अंदर है, दूसरा बाहर है, विनोद भी गए हुए हैं उस स्टेडियम में। तो उस स्टेडियम की जो बाउंड्री से बहुत बड़ी नहीं है, बट वहाँ पे जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने छक्के लगाए और बड़े मज़ेदार बात है, पावर हिटिंग कर रहे थे, वो खड़े खड़े शॉट्स मार रहे थे, वो उस मैच ने, उस पारी ने मुझे लग रहा है इंडियन और ब्रेक इवेंट भी कह सकते हैं जिस तरह से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप साक्षी रहे हैं उस चीज़ का, आपने देखा है मेक और ब्रेक मूवमेंट था, क्योंकि बिल्कुल मेक एंड ब्रेक था दिखाया गया। मैं हालांकि उस समय रिपोर्टिंग नहीं करता था, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं पूरे डिटेल में कहानी दर्शकों को, रोहित आप भी इत्तेफाक रखेंगे शायद कनेक्ट करके। लेकिन मैं उससे पहले एक चीज़ जोड़ दूँ, जो सर कह रहे हैं कि दादा धोनी सोच रहे थे कि नंबर 3 पे, दादा ने अपनी किताब जो ऑटोबायोग्राफी है उनकी, सेंचुरी इज नॉट इनफ में लिखा है कि जब मैं टॉस कर वापस आ रहा था तो मैंने सोचा यार इस लड़के को मौका दे देता हूं। मैं शाम से ही सोच रहा था, टीम चेंज होनी थी, मैं शाम से ही सोच रहा था कि पहले बता दिया था उनको कि धोनी नहीं, नहीं ऐसा नहीं, नहीं नहीं वो फिल्म में सिर्फ इतना बताया गया है कि आप प्लेइंग 11 में खेलेंगे, खेलेंगे। उसके बाद दादा ने कंफर्मेशन था, प्लेइंग 11 बैटिंग पोजीशन कंफर्मेशन नहीं था उसके बाद। हां ऐसी है, बैटिंग का तब तक नहीं था, टॉस करके जब आए हैं दादा उसके बाद उन्होंने, बल्कि जो शीट मिलती है हम लोगों को जब हम कवर करने जाते हैं तो उसमें भी धोनी का नाम 6-7 नंबर, बिल्कुल। उस समय विनोद ऐसा था, 5 सिलेक्टर्स होते थे, और जब आप अपने घरेलू सीरीज खेलते हैं तो 5 सिलेक्टर होते थे वहाँ पे जी। तो वो एक बड़ा प्रेशर था वहाँ पे कि महेंद्र सिंह धोनी से रन नहीं बन रहे थे। बांग्लादेश दौरे पे मुझे याद है पहले दौरे पे गए, वहाँ पे भी बड़ा स्कोर नहीं था, यहाँ पर उनके ऊपर एक बड़ा प्रेशर था, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी देखी और वहाँ से मुझे लग रहा है इंडियन क्रिकेट को महेंद्र सिंह धोनी मिले, एक ऐसा क्रिकेटिंग ब्रेन मिला जिसने 2 वर्ल्ड कप जीता है। तो मुझे लग रहा है वाइजैग का जो कनेक्शन है इंडियन क्रिकेट टीम के साथ, और वैसे भी आप रिकॉर्ड देखें वाइजैग का और खासतौर पर महेंद्र सिंह धोनी के साथ, अरे कमाल का, कमाल कमाल। विनोद सर आपकी पहली याददाश्त क्या है महेंद्र सिंह धोनी को, मतलब लाइव जो आपने देखा हो कवर करते हुए? देखो 2007 जब जीत के आए थे उस समय मैंने रिपोर्टिंग शुरू कर दी थी, और एक दिल्ली में T20 वर्ल्ड कप की बात, जी T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, और एक चार्म एक था उनके पास, और एक तरह से ना क्रेज था, जितने जितने हम लोग क्रिकेट जर्नलिस्ट पहुँचे थे उससे ज़्यादा फैन पहुँचे हुए थे, और प्रेस
कॉन्फ्रेंस एक होनी थी फिफ्थ फ्लोर शायद, मुंबई की बात कर रहे हैं, नहीं मुंबई की नहीं मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, वहाँ मैंने धोनी को पहली बार देखा था। तो मैं कुछ देर देखता रहा कि भाई सचिन को हमने देखा था जो क्रिकेट में हम कॉलेज में पढ़ते थे, सचिन द्रविड़ और तमाम लेजेंड्स की टीम थी उस समय भी, लेकिन हाँ उसमें इतना अट्रैक्शन था कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बज़ नज़र आ रहा था कि एक और स्टार मिल चुका है टीम इंडिया को। पर एक एक और इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ, जब शतक हुआ महेंद्र सिंह धोनी मैन ऑफ द मैच बन गए, अब किसी के पास नंबर नहीं है महेंद्र सिंह धोनी का, नंबर आज तक बहुत कम लोगों के पास है, वो नंबर इत्तेफाक से हमारे पास था और एक दिग्विजय सिंह देव हुआ करते थे CNN में शायद अभी वो, जी बिल्कुल अब तो वो दूरदर्शन के लिए उस समय कर रहे थे, हम दोनों लोग गए उस होटल में, बड़ा खूबसूरत होटल है टीम होटल, तो नीचे से हमने, हाँ नहीं 2005 की, 2005 हमने नीचे से फोन किया और उस समय इंडिया पाकिस्तान मैचेस को लेकर इतनी हाई सिक्योरिटी होती थी कि जब तक प्लेयर नहीं गएगा आप होटल के अंदर घुस ही नहीं सकते, लॉबी में भी नहीं जा सकते। तो वो पहला ऐसा इंसिडेंट था जब हम गेट पे पहुंचे और महेंद्र सिंह धोनी लेने आए हम लोग को नीचे, मतलब उससे बड़ी घटना कुछ नहीं हो सकती, हम रूम में जाके हमने इंटरव्यू किया लेकिन उसके बाद ना वो नंबर रहा ना वो महेंद्र सिंह धोनी रहा, हाँ वो मैं ना वो नहीं, एक इंटरव्यू और हुआ मैंने कोटला में किया, एक बेनिफिट मैच था उस समय भी मैं ड्रेसिंग रूम में चला गया था और छोटा सा एक 3-4 मिनट का हमने इंटरव्यू किया, उसके बाद से दो इंटरव्यू करने वाले हाँ उसके बाद तो मैं उसके बाद ना महेंद्र सिंह धोनी रहे वो सीरियसली सचिन से भी ज्यादा, जिस तरह से वो बिल्कुल रिजर्व रहते जिस तरह से कट ऑफ रहते हैं, और एक क्योंकि मेरी बात अक्सर होती रहती थी, मुझे याद है एक एड के सिलसिले में उनसे बात हो रही थी और तब उनको बाइक का बड़ा शौक था, तो मुझे पहली बार पता चला कि जब उनको अबू दुबई में कोई शूट था तो उनको जब उनकी फी देने की बात आई तो उन्होंने कहा यार मुझे आप बाइक दो दे, तो एक हायाबुसा बाइक उनको मिली थी, मुझे याद है अच्छी तरह से, वो हमने बड़ा अच्छा मोमेंट शेयर किया था। लेकिन उससे बाद से कहते ना जब कद बड़ा होता है इंसान का तो जो बहुत से लोग पीछे छूट जाते हैं, मुझे लगा उनमें से एक हम लोग का भी नहीं ऐसा नहीं, अरुण पाठक के साथ साक्षी के साथ बैठ के आपने अभी अमेरिका में नहीं वो तो यादें थी ताजा की हमने, लेकिन वो कुछ ऐसे मोमेंट्स से महेंद्र सिंह धोनी के वो तस्वीरें हम कोशिश करेंगे अगर राजीव सर परमिशन दे तो शायद आप लोगों के साथ साझा करें, अरुण पांडे के साथ, साक्षी धोनी और अरुण पांडे जी के साथ, थोड़ा सा डिस्टेंस धोनी ने बना लिया है लेकिन राजीव बहुत, हाँ शायद अगर हम मीडिया पे बड़ा टैग होता है ना कि मीडिया का जो टैग है वो बड़ा खराब है कि आपके जो पर्सनल रिलेशन है कभी कभी वो भी खराब हो जाते हैं, तो मुझे लग रहा है ये एक बड़ी चीज थी उस समय क्योंकि हम उस महेंद्र सिंह धोनी को जानते थे, नीचे लेने आया फिर उसके एक साल में ऐसा हुआ कि सब कुछ, और आज भी धोनी को लेकर सर रोहित इसमें जो राजीव ने बोला ना, जितना मैंने इनके बात करियर शुरू किया, ये मेरे सीनियर हैं काफी, लेकिन एक चीज अच्छी है धोनी के साथ, अगर आप उनसे बात करना चाहें ना, एक उसकी जो पर्सनैलिटी की उस पर्सोना की, मैन टू मैन वो बात कर सकते हैं आप, ऑफ रिकॉर्ड उनसे किसी भी बारे में बात कर लीजिए, उनका पहला कन्वर्सेशन जो भी कोलकाता की लॉबी थी उनका यही कहना था कि आपको मैं प्लेइंग 11 नहीं देने वाला हूँ, इसके अलावा आप उससे कोई भी बात कर सकते हो। मेरा भी एक इंसिडेंट है कि पहला मेरा फॉरेन टूर था 2010 में, इंडिया टूर ऑफ श्रीलंका, वहाँ साक्षी भी साथ थी, तो साक्षी मुझसे काफ़ी गुस्सा थी, उन्होंने कहा, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसे ऑन कैमरा नहीं कहा जा सकता, यू आर बिहेविंग लाइक ए पापाराजी, ये एग्जैक्ट वर्ड था साक्षी का, और पहला हनीमून टूर था, तो दो तीन राजी मैं आपको बता दूं, वो लोग होते हैं जो चुप चुप के फोटो निकालते हैं किसी बड़ी सेलिब्रिटी की। तो रोहित राजी शायद आप हम लोग साथ काम नहीं कर रहे थे, आपको भी मैं रिफ्रेश करा दूं उस याद को, धोनी का मैं जो पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, कट ऑफ तो हैं लेकिन उस समय तक मुझे बहुत ज़्यादा जानते नहीं थे धोनी, बस देख रहे थे कि लड़का आया है फॉरन टूर में पहली बार, ज़्यादा पीछा कर रहा है, और साक्षी 2-3 बार गुस्सा हुई, और दाम्बूला की बात है, खूबसूरत सा होटल है वहाँ, दोनों हॉर्स राइडिंग पे निकले, धोनी ने लगाम थाम रखी थी घोड़े की और साक्षी उस पर बैठी थी, उन्होंने देखा कि मेरा दूर से कैमरा चल रहा था और साक्षी बड़े गुस्से में आई, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि साक्षी आई, मैंने कहा मैं इस बार टेप डिलीट नहीं करूंगा, इस बार महेंद्र सिंह धोनी भी आपके साथ हैं, मैंने बोला भैया भाई ये देख लीजिए, तो भाई का बड़ा अपने ही टोन में, मुझसे क्या बोलते हो इन्हीं से पूछो तो ये कह के वो चले गए, और वो लकली धोनी का साथ होना उस टेप को वो डिलीट नहीं करा पाई, तो ये एक उनका है कि भाई मैं ऐसी जगह पर्सनल जगह पे उनको चेज कर रहा था, वो गलती थी, हालांकि 2011 वर्ल्ड कप में चेन्नई मुझे याद है मैं गया मैच से पहले इंडिया वेस्ट इंडीज़, मैंने कहा धोनी भाई सॉरी कुछ ज़्यादा हो गया था उस सीरीज़ पे, तो उन्होंने कहा हाथ मिलाया कि कोई बात नहीं होता रहता, हमने भी बहुत गलतियाँ की हैं। तो ये एक धोनी का जो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, और इतना करीब जाने के बाद भी जो बात करने की जो अदा है उनकी, कैमरा ऑन नहीं है तो कुछ भी बात कर सकते हैं, कैमरा ऑन है तो धोनी आपको नहीं मिलेगा। कहते थे वो कि आप बोले कि माही भाई पार्टी दीजिए, पॉलिटिकली करेक्ट हो जाएंगे, नहीं आप बोलो उनसे कभी कि सीरीज जीतने के बाद माही भाई पार्टी दीजिए, बोले बिना कैमरे आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, अरे मोबाइल और वहाँ नहीं होना चाहिए, तो वो था उनका एक हर आदमी का काम करने का तरीका, उनका भी अपना तरीका था कि आप ऑन कैमरा वो शायद
नहीं उन चीजों को शेयर करना चाहते तो आप ऐसे बात कर सकते हैं। लेकिन वापस मुझे लग रहा है वाइजैक चलना चाहिए। वाइजैक पे ही जा रहा हूं। 13 सालों में नाम बदल गया शहर का नाम बदल गया, विशाखापट्टनम का नाम बड़ा हो गया, वाइजैक हो गया। और वो जो महेंद्र सिंह धोनी जो 5 अप्रैल 2005 को पहुंचा था वो आज फिर पहुंचा है और आज फिर इतिहास की किताब उसका इंतजार कर रही है क्योंकि वो महज 51 रन दूर है भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले। पूछेंगे इसमें क्योंकि तीन मैच एशिया 11 के लिए उन्होंने खेले हैं, 179 उनके रन है, 2007 में खेले थे और अगर आप उस लिहाज से देखें तो वो 10,000 रन बना चुके हैं। लेकिन भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में क्लिक करते हैं 10,000 से ऊपर नजर आते हैं, 10,000 से ऊपर। दर्शकों के लिए ये है कि तीन मैच उन्होंने खेले हैं एशिया 11 के लिए और वो स्कोर अगर हटा दिया जाए तो भारत के लिए 10,000 रन अभी बाकी है। इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए 51 रन आज बना देंगे और 81 विराट कोहली बिल्कुल बनाएंगे, मुझे लग रहा है विराट कोहली भी सर वो बनाएंगे भी। और देखिए मुझे लग रहा है ये मैदान इसलिए भी बेहद खास है और उनके दिल के करीब है क्योंकि जब वो आए थे तब वो टीम से बाहर होने के करीब थे और आज भी हालत लगभग वैसे ही बने हुए हैं। मतलब वो तो आप बता दीजिए कि दिशा पटानी वाला रोल आपने निभाया है असल मायनों में, फिल्म में नहीं दिखाया गया है। हाँ, लेकिन दिशा पटानी ने बोला था उन्हें फिल्म को बेचने के लिए आपको इस तरह के स्टैंड करने पड़ते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैच है बहुत इंपॉर्टेंट है महेंद्र सिंह धोनी के लिए वाइजैक का मैच, क्योंकि आप 2005 में जाए तब भी खतरा था उनके ऊपर टीम से बाहर होने का, आज उनकी बल्लेबाजी पे सवाल है। तो मुझे लग रहा है ना सिर्फ 51 रन बनाएंगे बल्कि वो जो फॉर्म को ढूंढ रहे हैं मुझे लग रहा है वाइजैक से बढ़िया जगह नहीं हो सकती जहां पे वो अपना फॉर्म हासिल करें। अब विराट कोहली विनोद सर, विराट कोहली महेंद्र सिंह धोनी दोनों आज 10,000 पूरे करने वाले हैं आपको लग रहा है? दोनों नहीं करेंगे, अगर विराट ने पूरे कर दिए तो आप निश्चित मान के चलिए कि धोनी की अगर बैटिंग उतनी नहीं आएगी कि 51 बना दें, दोनों तो नहीं करेंगे। पर हम चाहेंगे कम से कम आज एक बल्लेबाज कर ले, अच्छी इनिंग हम देख चुके हैं तो आज मुझे लगता है धोनी धमाका दिख जाए तो दर्शकों के लिए मुझे लग रहा है ऊपर भी भेजना चाहिए आज एक बड़ा जुआ। हां धोनी ने खेला, अगर दादा ने धोनी को नंबर 3 पे भेजा तो आज विराट नंबर 4 पे भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए उम्मीद ऐसी है, खैर मेरी उम्मीद ये है कि आज दोनों के दोनों अपने 10,000 रन पूरे करें। और लोगे बोलो यार रोहित नहीं होगा, दोनों कैसे होगा? नहीं हो सकता है, मेरे हिसाब से हो सकता है। देखिए रोहित शर्मा आउट हो चुके हैं, नहीं अगर रोहित शर्मा आउट नहीं होते 2005 वाली बल्लेबाजी अगर महेंद्र सिंह धोनी करेंगे और 5 ओवर मिलेंगे तो पूरे कर देंगे, पूरा कर देंगे। अगर वो आज के दौर वाली बैटिंग करेंगे तो 20 ओवर में भी नहीं होते। मेरा सिंपल सा कहना है कि अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता है, राजीव वाली बात बिल्कुल लॉजिकल है, बीच में कि ऊपर भेजें तो ही आपका जो विश है ना वो पूरा हो सकता है। अगर रोहित शर्मा आउट नहीं होते तो मैं आपके साथ जाता, रोहित शर्मा क्योंकि आउट हो चुके हैं तो मुझे धवन पर इस वक्त में भरोसा नहीं है उनके हालिया फॉर्म को देखकर। अभी यहां पर अगर 2 विकेट हो जाते हैं तो फिर आप उम्मीद मान के चलिए कि 30 ओवर तक महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने आ जाएंगे और फिर उनके हाथ में होगा कि वो 20 ओवर में 51 रन बना पाते हैं कि नहीं। तो चलिए ये खास मुलाकातें थी, मेरी भी महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात हुई है, मेरे पास एक बैट है जिसमें उनका ऑटोग्राफ है। तो महेंद्र सिंह धोनी छोटे शहर से आते हैं लेकिन खिलाड़ी इतने बड़े हैं कि भारतीय क्रिकेट ने उनसे बड़ा सितारा ये तो नहीं कहा जा सकता कि नहीं देखा है, लेकिन वो उस लेवल पर हैं जहां पर आप सचिन तेंदुलकर की तुलना उनसे कर सकते हैं, दी ग्रेट सनी गावस्कर की तुलना उनसे कर सकते हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत है महेंद्र सिंह धोनी। इस चैट को अगर आपने पसंद किया है तो निश्चित तौर पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए कि आप लोगों की क्या राय है और शेयर इसी तरह से करते रहिए क्योंकि हम 1,000 के वो जो 4 नंबर का आंकड़ा है उससे अब बहुत कम दूरी उससे हमारी रह गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का।